तो गाइज अगर आप फेसबुक पर वीडियोस वायरल करना चाहते हो या फिर फेसबुक पर रील्स वायरल करना चाहते हो तो फेसबुक आपको खुद बताता है कि आप किस प्रकार से फेसबुक पर अपने वीडियोस को और किस प्रकार से अपने रील्स को वायरल कर सकते हो। फेसबुक का एक नया अपडेट है जिसमें फेसबुक ने खुद शेयर किया है कि भैया फेसबुक का एल्गोरिथम क्या है, फेसबुक पर आप किस प्रकार से काम कर सकते हो, फेसबुक पर आप किस प्रकार से लॉन्ग वीडियोज को वायरल कर सकते हो, फेसबुक पर आप किस प्रकार से शॉर्ट वीडियोज को वायरल कर सकते हो, सब कुछ आपको फेसबुक खुद बता रहा है। तो आज का ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन टिप्स एंड ट्रिक्स को आप अच्छे से समझते हो और फॉलो करते हो जो कि फेसबुक कह रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, फेसबुक कर रहा है, तो आपका वीडियो 100% वायरल होगा। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो इसी चीज को फॉलो करते हैं, इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं जिससे उनके वीडियोस मिलियन में व्यूज आते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक से आपने हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक कर दीजिएगा। यहां से बिल्कुल आपको लाइव प्रूफ समझाने के लिए मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है और मैं आपको फेसबुक का पूरा एल्गोरिथम समझाऊंगा और पूरा बताऊंगा कि फेसबुक आपसे क्या चाहता है और आपको फेसबुक क्या करने के लिए बोलता है जिससे अगर वो आप काम करते हो तो आपका फेसबुक पर 100% वीडियोज वायरल होगा। ठीक है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद सबसे पहले हमको यहां से फेसबुक खोल लेना है। फेसबुक खोलने के बाद मैं सर्च बार में जाता हूं और मेटा फॉर क्रिएटर्स लिख के सर्च करता हूं। जैसे ही मेटा फॉर क्रिएटर्स लिख के सर्च करूंगा तो यहां से देखिए कल फेसबुक ने एक अपडेट को शेयर किया है जिसमें फेसबुक पर साफ बताया जा रहा है कि फेसबुक पर आपको किन किन स्ट्रेटजी को फॉलो करना है जिससे आपका वीडियोस वायरल होगा। तो नंबर वन टिप्स में फेसबुक ने कहा है कि हाउ टू फाइंड इंस्पिरेशन, आपको अपना इंस्पिरेशन देखना है। तो आप बोलोगे भैया अंग्रेजी में कुछ समझ में नहीं आया, हमको इस चीज को डिटेल में समझा दो। ठीक है, तो फेसबुक का खुद कहना है कि आपको अपना इंस्पिरेशन देखना है, मतलब कि आप किस क्रिएटर से इंस्पायर्ड है, आपके तरह सिमिलर क्रिएटर कौन है जिनका वीडियोज अभी चल रहा है, जिनका वीडियोज अभी वायरल हो रहा है, आपको उन क्रिएटरों को देखना है, उनसे सीख है कि भैया वो अपने वीडियोज में क्या स्पेशल कर रहे हैं जिससे उनका वीडियोज लोग ऑडियंस पसंद कर रहे हैं, वो अपने वीडियोज में क्या कर रहे हैं जिससे उनके वीडियोज वायरल हो रहे हैं। ठीक है, आपको भी सेम उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और उनके वीडियोज को कॉपी नहीं करना है, उनसे अच्छा आपको प्रोवाइड करने का, कंटेंट बनाने का प्रयास करना है। और इसी में फेसबुक का कहना है कि आपको अपना एक कम्युनिटी बनाना है। ठीक है, कम्युनिटी बनाना है और आपको अपने कम्युनिटी के हिसाब से चलना है, मतलब कि आपको अपना ऑडियंस के हिसाब से चलना है। अगर आपके ऑडियंस, ठीक है, आपको ये देखना है कि मेरे ऑडियंस किस प्रकार के रील्स देख रहे हैं, मेरे ऑडियंस किस प्रकार के वीडियोस देख रहे हैं, मेरे ऑडियंस किस प्रकार के टॉपिक को कमेंट कर रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं और कौन सा टॉपिक पे वो वीडियोस खोज रहे हैं, आपको उसी टॉपिक पे वीडियोस बना के देना है, आपको उसी के हिसाब से चलना है और वो जिस प्रकार का कंटेंट देख रहे हैं आपको ठीक उसी प्रकार के कंटेंट को बनाना है और अपने जो क्रिएटर है, जो आपके सिमिलर क्रिएटर है, उनसे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है, उनसे आपको अलग थॉट्स लगाना है, उनसे कुछ अलग क्रिएटिविटी करना है जिससे आपके ऑडियंस आपके वीडियोस पे ज्यादा एंगेज करेंगे और आपका वीडियोस वायरल होने का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन रुको रुको रुको, यहीं पर वीडियोस को स्किप मत कर देना क्योंकि तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो बहुत जबरदस्त है। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। तो चलिए मैं दूसरा अपडेट में आपको ले चलता हूं। तो यहां से फेसबुक कह रहा है कि हाउ टू यूज ऑडियो फीचर। ठीक है, आप लोग ऑडियो फीचर का यूज सही से नहीं करते हो। ठीक है, तो भैया यहां से फेसबुक का साफ करना है कि आपको अपना ऑडियो फीचर का यूज करना है। ठीक है, तो भैया ऑडियो फीचर का यूज कैसे करना है? आप बोलोगे भैया इसको हमको डिटेल से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो आपको देखिए आपके जब भी फेसबुक के लाइब्रेरी में जाइएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से आपके वीडियोस पर देखिए कुछ इस प्रकार से मार्क होंगे। ठीक है, वो आपका स्पेशल ऑडियो है। ठीक है, उस पर आपको जो है ट्रांजेक्शन का वीडियोज बनाना है, स्लोमो बनाना है या कुछ प्रकार के यूनिक कंटेंट बनाना है। ठीक है, जो कि फेसबुक आपको खुद सजेस्ट करता है और फेसबुक के लाइब्रेरी से अब ऑडियो को आपको ले सकते हो और उस पर लेना है क्योंकि उस पर फेसबुक म्यूजिक शेयरिंग का एक ऑप्शन लाने वाला है। ठीक है, तो ऑलवेज आपको अपने स्पेशल म्यूजिक पे वीडियोस बनाना है और जो आपके ऑडियंस जो म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं, जिस पर वो वीडियोस डाल रहे हैं, ठीक है, आपको उस विहाप पे काम करना है और जो स्पेशल म्यूजिक दिया हुआ है उस पर आपको काम करना है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करना है कि आप अपने वीडियोस में जब पंच का साउंड यूज करो तो एकदम ऐसे पंच मारोगे तो वो परफेक्ट जगह पे बैठाना है। अगर आप कॉमेडी करो तो कॉमेडी के साउंड को एकदम स्पेशल जगह पे और एकदम यूनिक जगह पे यूज करना है जिससे आपका जो वीडियो है ना वो एडवांस फीचर के तहत वो आपके एल्गोरिथम में सेट हो सके। अगर आप कोई भी सॉन्ग्स पे वीडियोस बना रहे हो तो आपको वॉइस लिपसिंग करना है और आपको सॉन्ग्स के हिसाब से ही मूवमेंट करना है जिससे आपका रील्स एकदम परफेक्ट बने। अब चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा टॉपिक की तरफ जो कि फेसबुक आपको खुद शेयर करता है और फेसबुक के एक्सपर्ट आपको बताते हैं कि आपको इस चीज को फॉलो करना है जिससे आपका वीडियोज 100% वायरल हो। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहां पर फेसबुक का साफ कहना है कि हाउ ट्रेंड्स कैन हेल्प टू ग्रो,
मतलब ट्रेंड आपको किस प्रकार से ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से फेसबुक का कहना है कि भैया आपको ऑलवेज हमेशा कोई भी अगर ट्रेंड आता है तो उस पर आपको वीडियोस बनाना है, और जो भी फेसबुक पर ट्रेंडिंग म्यूजिक होता है उस पर आपको हमेशा वीडियोस बनाना है, क्योंकि देखिए भैया जो भी ट्रेंडिंग म्यूजिक होता है वो म्यूजिक ट्रेंडिंग होता है, ठीक है। उस पर लोग ज्यादा सर्च करते हैं, उस चीज को लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका वीडियोस वायरल होने का चांस 100% बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है जैसे होली, दशहरा, ईद, रमजान, कुछ भी आ रहा है भैया, रोजा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आपको उस पर हमेशा वीडियोस बनाना है, फेसबुक के ट्रेंडिंग के हिसाब से चलना है, ठीक है। अगर कोई गाना ट्रेंड कर रहा है आपको उस पर रील्स बनाना है, अगर कोई ट्रेंडिंग फेस्टिवल आ गया, अगर कोई फेस्टिवल नजदीक है तो आपको हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाना है, और ट्रेंडिंग और आपका ऑर्गेनिक कंटेंट दोनों के बीच आपको बैलेंस बनाकर रखना है, वो इसी अपडेट में समझाया है, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है कि आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियोस बनाना है, ट्रेंडिंग और ऑर्गेनिक कंटेंट जो आपका है उसके बीच में आपको एक बैलेंस बनाकर रखना है, और कोई ट्रेंड को नहीं छोड़ना है, ठीक है। और देखना है कि आपका ऑडियंस, जैसे जब भी कोई ट्रेंड आता है तो ऑडियंस क्या होता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक के वीडियोज फाइंड करने लगते हैं, वो खोजने लगते हैं, और वो उसी प्रकार के वीडियोज को देखना पसंद करते हैं। तब क्या होता है कि फेसबुक जब ट्रेंडिंग टॉपिक आता है तो उसके वीडियोज को ज्यादा सजेस्ट करने लगता है, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस उस पर ज्यादा रहेंगे तब उस पर क्रिएटर कम जाते हैं, तो क्या होता है कि लोग टॉपिक के वीडियोस देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तब क्या होता है कि अगर कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक का वीडियो डालता है तो फटाक से वायरल हो जाता है। तो भैया आपको देखना है कि आपके तरह के क्रिएटर किस प्रकार के ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनसे आपको यूनिक करना है, उनसे आपको हटके करना है, और अपने वीडियोज में ऑलवेज बेस्ट प्रोवाइड कराना है, और आपके ऑडियंस जिस प्रकार का कंटेंट मांगे आपको उसी प्रकार का कंटेंट देना है। अगर आप एक रील्स क्रिएटर हो तो आपको पर डे 3 रील्स बनाना है, अगर आप एक लॉन्ग वीडियो क्रिएटर हो तो अपने कंटेंट के हिसाब से आप वीडियोस बनाइएगा और रेगुलर वीडियोस पोस्ट कीजिएगा। और फेसबुक का कहना ही है कि भैया हम ऑलवेज ट्रेंडिंग टॉपिक को सपोर्ट करते हैं और ऑलवेज ट्रेंडिंग टॉपिक को हम वेलकम करते हैं। अगर आप फेसबुक पर ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस बनाते हैं तो आपका वीडियोस कंफर्म वायरल होगा, और आपको ऑर्गेनिक और ट्रेंडिंग कंटेंट के बीच में एक बैलेंस बनाकर चलना है। तो कुछ अपडेट्स जो कि फेसबुक के कुछ एक्सपर्ट ने आपके साथ शेयर किया था, जो कि अंग्रेजी में था, उसको मैंने हिंदी में समझाने का प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।